हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लता की रसोई। आज हम बनाएंगे गार्लिक बटर नान, वो भी घर पे बिना तंदूर के। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने हाफ बाउल दही लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक व स्वाद अनुसार और हाफ टी स्पून चीनी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें झाग से बनने लगे हैं, ये हमारा फूलने लगा है। अब इसमें मैं मैदा ऐड कर दूंगी। मैंने लिए 2 कटोरी मैदा, अब मैदा और दही के हमारा जो पेस्ट था उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा गूंथेंगे। इसका आटा हमें सॉफ्ट ही गूंथना है। फ्रेंड्स, जब तक हमारा आटा गूंथ रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल बटन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो आपके लिए लाने का। हमारा आटा आप देख सकते हैं इस तरह सॉफ्ट गूंधा है। अब मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के आटे पे लगाऊंगी और इसमें अच्छे से लोच लगाऊंगी। इस तरह गोल गोल करके आटे की रोल बनाएं। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप ढक के रख दें। अब 15 मिनट बाद हम देखेंगे अपने इस मैदा के आटे को। ये देखिए इतना फूल के सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको इस तरह रोल कर रहे हैं तो इसमें फटा फटा भी नहीं दिख रहा है, बहुत हमारा स्मूथ और सॉफ्ट ये आटा का डो तैयार हो गया है। अब इसमें से एक लोई लेंगे, थोड़ी बड़ी हम इसकी लोई लेंगे। और इसमें पलोथन लगा के हल्का सा हम इसकी नान बेलेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो नान ओवल शेप की ही हम देखते हैं ज़्यादातर, पर आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसे ओवल शेप में बनाऊंगी। ये हमारी नान बिल के तैयार हो गई है। अब मैंने लिया है 2-3 लहसुन की कलियां जिनको मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियां जिनको मैंने धोकर काट लिया है। अब मैं अपनी नान में गार्लिक को स्प्रेड करूंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप सा देके हम लहसुन की कलियों को बारीक कटे हुए को इस तरह फैला लेंगे। अब थोड़ी सी कलौंजी इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे इस तरह, और हरे धनिया की पत्तियां ऊपर से स्प्रेड कर देंगे इस तरह। और ये सब डालने के बाद एक बार बेलन से इसको बेल लेंगे ताकि ये उतरे नहीं। अब इसको हल्के हाथों से पलटेंगे और इसके ऊपर पानी लगाएंगे। ये पानी फ्रेंड्स एक ग्लू का काम करता है, तो पानी हम थोड़ा अच्छे से लगाएं ताकि हम जब तवे पर इसको सेके तो ये गिरे नहीं। अभी हमने पानी लगा लिया है और अब इसको गरम तवे पर डाल देंगे इस तरह। हम गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम रख सकते हैं। आप देखेंगे नीचे से धीरे धीरे सिकने लगी है, इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब जब हमें लगे कि हाँ ये एक साइड से नीचे से सिक गई है, तो हम अब तवे को उल्टा करके गैस पे इस तरह इसको सेकेंगे। हमें राउंड राउंड तवे को घुमाते हुए इसको सेकना है कि हमारी जो गैस की फ्लेम है वो रोटी के हर हिस्से पर लगे और हमारी रोटी अच्छे से सिके। ये फ्रेंड्स हमारी रोटी सिक गई है, हमारी नान तैयार है बिल्कुल।
अब हम तवे को सीधा करके एक चक्कू या स्पून की हेल्प से हम इसको उतारेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी नान पीछे से भी कितनी अच्छी सिकी है और आगे से भी कितनी अच्छी लग रही है। अब इसको हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। इस पे हम बटर लगाएंगे। ये मैं बटर इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से। रेडी है अब हमारी गार्लिक बटर नान खाने के लिए। इसको आप दाल सब्जी के साथ परोसे गरम गरम ही। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लगेगी। आप भी घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए, खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लता की रसोई।